सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था टोटल रोज को अप्लाई कैसे करना है, यानी कि इंसर्ट और रिमूव कैसे करना है उस चेकबॉक्स की हेल्प से जो आपको टेबल स्टाइल ऑप्शंस में मिलेगा। हमने इसके अलावा कई दूसरे भी टेबल स्टाइल ऑप्शंस पढ़े थे, जैसे बैंडेड रोज एंड कॉलम्स, हेडर, फिल्टर, कई सारे पढ़े थे। हमने टोटल रोज को अभी सिर्फ अप्लाई करना सीखा है। इस सेक्शन में हम टोटल रोज का यूज़ क्या होता है, इसमें फॉर्मूलाज कैसे लगते हैं, ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं टोटल रोज होती क्या है। देखिए, आपका अगर कोई नॉर्मल डेटा है जो टेबल नहीं है, तो आपको सारे फॉर्मूलाज मैनुअली लगाने पड़ते हैं। लेकिन टेबल का एक अच्छा एडवांटेज ये है कि आप टोटल्स अपने आप लग जाते हैं उसमें। आपको बस सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सारे टोटल रोज में अपने आप अवेलेबल होते हैं। आपको खुद फॉर्मूला नहीं लगाना है, या आपको जो टेबल है ये अपने आप इन फॉर्मूलेस को आपके लिए इंसर्ट कर देंगे। कैसे वो हम आगे देखते हैं। देखिए, आपने जब टोटल रोज पर क्लिक किया तो आप डेटा में जो भी आपका आखिरी सेल है, आखिरी जो डेटा है, उसके नीचे एक नई रो ऐड हो जाएगी टोटल नाम से। यहाँ पर ऐड होने के बाद आप जिस भी अगले कॉलम में जाएंगे तो आपको एक ड्रॉप डाउन मिलेगा। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन है। इस पर क्लिक करते से ही हमको हमारे फंक्शंस की लिस्ट आ रही है, एवरेज, काउंट, काउंट नंबर्स, मैक्स, मिन। तो आपको इनमें से जो भी ऑपरेशन इसमें अप्लाई करना है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप बाकी सारे अलग अलग कॉलम्स में इसको यूज़ करेंगे तो एंड में आपका डेटा कुछ इस तरह का शो होगा। हमने जो हमारा सेकेंड कॉलम है, जहाँ पर एरिया है, हमने इस पर काउंट लगाया है। देन हमने टोटल सेल्स में सम का यूज़ किया है, कमीशन में भी सम का यूज़ किया है, डेट्स में भी हमने काउंट लगाया है। तो इस प्रकार से आपको दिख रहा है यहाँ पर कि हमने कोई भी फॉर्मूला मैनुअली नहीं लगाया, जितने भी फॉर्मूलेस थे सारे टोटल रोज के हेल्प से अपने आप अप्लाई हो गए। अगले सेक्शंस में हम फिल्टर और सॉर्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।